नमस्कार आदाब। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह की भयावह तस्वीर फिलिस्तीन और इसराइल से सामने आ रही है, क्योंकि रॉकेट वहां ऐसे दागे जा रहे हैं जैसे दिवाली के बम पटाखे यहां छूटते दिखते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16 मई की सुबह इसराइल द्वारा किए गए फिलिस्तीन पर हमले में 40 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। NBT के अनुसार गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मारे गए इन लोगों में 16 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 58 बच्चे शामिल हैं। जबकि इससे पहले इसराइल ने एक मीडिया सेंटर पर भी हमला कर दिया था। इस हमले में इमारत को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। इस इमारत में कई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के दफ्तर शामिल थे, जिनका अब पूरी तरह से नेटवर्क टूट चुका है। एक अन्य वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार गाजा में काम करने वाले पत्रकार बाहगुल कहते हैं, मैं पूरी रात अपने बच्चों को गले लगाकर सोता हूँ। सुबह तक मेरी कमर में दर्द हो जाता है। हर 15-15 मिनट में रात भर बम धमाके होते रहते हैं। बाहगुल बताते हैं कि वो यहाँ 16 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्होंने इसराइल और गाजा के बीच होने वाली झड़पों को बहुत करीब से देखा है। उन्हें लगता है कि इस बार लड़ाई बेहद गंभीर है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शनिवार को गाजा पट्टी में एक घर के ऊपर हुए इजरायली हमले के बाद एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 6 बच्चों की मौत हो गई। गाजा पट्टी के एक तरफ भूमध्य सागर है, एक तरफ मिस्र और बाकी तरफ इजरायल है। भूमध्य सागर में भी इजरायली नौसेना का सख्त पहरा रहता है। करीब 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 15 किलोमीटर चौड़े इस 360 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इन दिनों इजरायली सेना गाजा पर दिन रात बम बरसा रही है। इजरायली हमलों में अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के पत्रकार ने फोन पर एक न्यूज वेबसाइट को बताया है कि यहाँ इमारतें एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ऐसा लगता है वो एक साथ ही बनी हों। इसराइल के हवाई हमले में 3 बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। किसी इमारत पर बम गिरता है तो सटी हुई इमारतें अपने आप ही बर्बाद हो जाती हैं। गुल कहते हैं कि उत्तरी गाजा में इसराइल ने एक समूची फिलिस्तीनी कॉलोनी को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जबकि एक दूसरे इलाके में 10 घरों को जमींदोज कर दिया गया। मारे गए लोगों में से 30% बच्चे और महिलाएं हैं। गुल कहते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि इसराइल बाजारों पर भी बम बरसा रहा है। यहाँ की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट पर भी बम गिराए गए हैं। यहाँ बिजली और पानी का नेटवर्क भी ध्वस्त हो गया है। सड़कों पर गिरे बमों से 3 मीटर तक गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी की लाइनें टूट गई हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस समय गाजा में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी टूट गए हैं। जिस बहुमंजिला इमारत को शनिवार को ध्वस्त किया गया, वहाँ कई टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के दफ्तर थे। फ्यूजन टेलीकॉम और दूसरी कंपनियाँ जो यहाँ से चल रही थी, उनका इंटरनेट भी टूट गया है। इस झड़प में सबसे अधिक नुकसान बच्चों को हुआ है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में 30% बच्चे और महिलाएं हैं। इसराइल ने जब भी हमास पर हमला किया है, हमेशा बच्चे मारे गए हैं। इसराइल ने गाजा पर नियंत्रण करने वाले संगठन हमास के 500 से अधिक ठिकानों तबाह करने का भी दावा किया है। न्यूज वेबसाइट में आगे लिखा है कि गाजा के ओमर जमार इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं और गाजा से चल रहे संगठन VR Not Numbers के साथ काम करते हैं। उन्होंने बताया है कि फिलिस्तीनियों के पास लड़ने के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। फिलिस्तीनी संगठनों और इजरायली सेना का ताकत में कोई मुकाबला नहीं, बावजूद इसके लड़ाई जारी है। हमास ने कहा कि वह इसराइल पर रॉकेट दागता रहेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गाजा पर हमले जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इसराइल के हवाई हमलों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में ये लड़ाई कब खत्म होगी, कहना मुश्किल है। ओमर कहते हैं, जब तक मस्जिद अलक्सा पर खतरा रहेगा, तब तक फिलिस्तीनी बच्चे इजरायली हमलों में मारे जाते रहेंगे। उनके पास लड़ने के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। 14 मई 1948 को स्थापित इसराइल ने जून 1967 में हुए युद्ध में बड़े फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तब से इसराइल लगातार फिलिस्तीनी ज़मीन पर यहूदी बस्तियाँ बसाता रहा है। हाल ही में इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक और फिलिस्तीनी इलाके पर इसराइली कब्जे को मंजूरी दी है। ओमर सवाल करते हैं, आप बताइए, जब कोई आपका घर, आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ले तो आप क्या करेंगे? इसराइल ताकत के बल पर फिलिस्तीनियों की ज़मीन छीन रहा है। ऐसे में फिलिस्तीनी लड़े ना तो क्या करें?
क्या उन्हें अपने बच्चों की जान बचाने का हक नहीं है। पूर्वी यरूशलम में इस महीने की शुरुआत में तनाव तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीनियों ने शेख जर्रा में उन्हें निकाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजरायली पुलिस ने अलक्सा मस्जिद पर कार्रवाई की। यह लड़ाई पिछले सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागे। संघर्ष अन्य जगहों पर भी फैल गया। वेस्ट बैंक और इसराइल में भी कई जगहों पर यहूदी और अरब नागरिकों के बीच झड़पें हुई थी। इस संघर्ष में गाजा में 55 बच्चे और 33 महिलाओं समेत 188 फिलिस्तीन मारे गए हैं और 1230 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इसराइल में 8 लोगों की मौत हुई है जिनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। दोस्तों, ये आंकड़ा हर न्यूज़ वेबसाइट और हर न्यूज़ चैनल पर अलग अलग दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहाँ ये दहशत फैली हुई है वो वाकई चिंता का विषय है। NBT के अनुसार मिस्र के एक राजनयिक ने कहा कि हमास के राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने से संघर्ष विराम के प्रयासों पर असर पड़ेगा। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इसराइल पर करीब 2900 रॉकेट दागे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि 450 रॉकेट थोड़ी दूर जाकर ही गिर गए, जबकि वायुसेना की प्रतिरक्षा प्रणाली ने 1150 रॉकेटों को मार गिराया। इसराइल ने गाजा की तरफ सैकड़ों हवाई हमले किए हैं जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसने गाजा सिटी की सबसे ऊंची इमारत को गिरा दिया और कहा कि इसमें हमास की सेना से जुड़े दफ्तर थे। वहीं शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया जिसमें द एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थानों के कार्यालय थे। इस हमले के बाद इसराइल की दुनिया भर के कई मीडिया जगतों ने भी आलोचना की है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय हमें ज़रूर दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो ये दहशत का माहौल फैला हुआ है, जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।